ये कुर्सियाँ बड़ी भारी कीमत मांगती हैं। लेकिन मैंने अपनी जाती जिंदगी का जितना तमाशा चौक में बनवाना था बनवा लिया। अभी कुछ और इंतजार करना होगा। फिर इंतजार? Fine. It's a deal then. मुझे बस इतना पता है कि घर दीवारों से नहीं बनते, उसमें रहने वालों से। ये हमेशा हमारी खानदान का हिस्सा रहेंगी। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो ये बात जान लो, और तुम्हारी इन बातों की वजह से मैं भूल गया। मेरी शहजादी तानिया आज मुझसे रूठ गई, और हमारी तरफ से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। मंजूर, उनकी खुशियों से उनकी यादों से बनते हैं। ऑलमोस्ट। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी, और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी, और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी, और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा।
नाजरीन ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है,
क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बनकर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बनकर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बनकर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बनकर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और
लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है,
क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। केस का और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। केस का और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। केस का और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था, क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। केस का और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और
लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल मेरी शहजादी की आखिरी किस्त ड्रामे के चाहने वालों की आंखें नम करने वाली है, क्योंकि दानिया इतनी तकलीफें उठाने के बाद खुशी का पल न जी पाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। अभी ही वो अपने सर से सारी परेशानियां उतार कर डॉक्टर हसन को शादी के लिए हाँ करेगी। इसका और डॉक्टर हसन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसमें दानिया तो न बच पाएगी लेकिन हसन बच जाएगा, और अब वो दानिया के बच्चों को अडॉप्ट कर लेगा और अब सारी उम्र वो इन्हें बाप बन कर पालेगा। उधर शहाना दोबारा से सीएम की सीट पर बैठ जाएगी और लोगों के जज्बात से दोबारा खेलना शुरू कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा से यही रही है और यही रहेगी। हमें हमेशा शहाना जैसे पॉलिटिशियन ही नसीब होते हैं। अगर गलती से कोई अच्छा इंसान पॉलिटिक्स में आ भी जाए तो या तो वो मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाता है। इसलिए इस ड्रामे की तरह इस मुल्क की तकदीर भी कोई नहीं बदल सकता। दानिया मरने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वो शहाना पर लगे सारे इल्जाम खत्म करवा देगी और शहाना भी सबके सामने ऐसे इस बात की इजाजत दे देगी कि वो अपनी खुशी से दानिया को दूसरी शादी की इजाजत देती है, क्योंकि ये सब दानिया और शहाना के दरमियान पहले से तय हो चुका था। क्योंकि दानिया को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था और शहाना को कुर्सी चाहिए थी। शहाना को तो कुर्सी मिल जाएगी लेकिन दानिया सुकून की तलाश में कहीं और पहुंच जाएगी। और बीच में डॉक्टर हसन, जिसने अपनी माँ के सालों के इसरार के बाद कोई लड़की पसंद की थी, वो दोबारा से कुंवारा ही रह जाएगा।